हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इस 3D विजुअल एनिमेशन के हेल्प से कार के इंजन में लगे हुए अल्टरनेटर का इंट्रोडक्शन, इसके मेन कंपोनेंट्स और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्टरनेटर का डेफिनेशन बता देता हूँ और ये समझा देता हूँ कि अल्टरनेटर होता क्या है। तो फ्रेंड, जो व्हीकल का ऑटोमोटिव चार्जिंग सिस्टम होता है वो तीन मेजर कंपोनेंट का बना हुआ होता है। एक होता है बैटरी, दूसरा होता है वोल्टेज रेगुलेटर और तीसरा होता है अल्टरनेटर। अब फ्रेंड, जो अल्टरनेटर होता है वो बैटरी के साथ मिलकर काम करता है और ये व्हीकल के इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स के लिए पावर जनरेट करता है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स में आ गए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लाइट्स, इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट पैनल हैं इनके लिए ये जो अल्टरनेटर आप देख रहे हो ये बैटरी के साथ मिलकर पावर जनरेट करता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये क्या काम करता है, ये बैटरी जो इंजन में लगा हुआ बैटरी होता है उसको चार्ज करता है और जो इंजन का जो बैटरी होता है वो डीसी करंट पे वर्क करता है। और ये जो अल्टरनेटर है वो जो इंजन में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो एसी करंट प्रोड्यूस होता है, तो उस एसी करंट को डीसी करंट में ये अल्टरनेटर चेंज करता है। अल्टरनेटर कहाँ लगा होता है और वो किस तरह से वर्क करता है उसे समझने से पहले आइए हम लोग जल्दी से एक बार इस 3D मॉडल की हेल्प से अल्टरनेटर के मेन कंपोनेंट्स को जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि अल्टरनेटर की जो असेंबली है वो किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है। यहाँ पे जो आप एक नंबर से देख रहे हो ये है पुली, और ये जो पुली है वो इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ये दो नंबर में जो देख रहे हो आप ये एंड कवर, तीन नंबर यहाँ पे जो आप देख रहे हो मैं जूम करके दिखाता हूँ ये है लोड एंड बेयरिंग। फिर यहाँ पे जो आप चार नंबर में देख रहे हो ये है स्टेटर, ये एक सर्कुलर यूनिट होता है, और ये रोटर, ये जो पांच नंबर में देख रहे हो ये रोटर है। तो रोटर के चारों तरफ ये सराउंडेड होता है, ये आयरन हाउसिंग के अराउंड वायर कॉइल का बना हुआ होता है। अब जब फ्रेंड्स ये जो रोटर है वो रोटेट करता है और करंट प्रोड्यूस करता है तो ये जो करंट है वो इस स्टेटर को ट्रांसफर होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद जो पांचवा नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया ये है रोटर, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो छह नंबर में ये है हमारे पास डायोड प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कंपोनेंट होता है। उसके बाद जो सातवां नंबर में आप देख रहे हो ये है रियर एंड बेयरिंग, जिसकी वजह से जो रोटर है उसका रोटेशन होता है। उसके फ्रेंड पांच फ्रेंड्स जो आखिरी कंपोनेंट आप देख रहे हो यहाँ पे वो है आठवें नंबर में, ये है एंड प्लेट। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं अल्टरनेटर के। अब मैं आपको अल्टरनेटर के वर्किंग के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड, जो अल्टरनेटर होता है वो इंजन के फ्रंट में लगा हुआ होता है, और ये जो आप अल्टरनेटर का पुली देख रहे हो यहाँ पे ये जो पुली है ये इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। अब होता क्या है कि ये बेल्ट के हेल्प से इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है और क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होता है तो ये जो पुली है इसका रोटेशन होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पुली है वो इस जो रोटर है इस रोटर के साथ कनेक्टेड होता है। अब जैसे ही पुली का रोटेशन होता है तो ये जो रोटर है वो बहुत तेजी से रोटेट होने लगता है। अब फ्रेंड्स, ये जो रोटर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक मैग्नेट होता है, ग्रुप ऑफ मैग्नेट्स का बना हुआ होता है और ये सराउंडेड होता है इस स्टेटर के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टेटर है उसके अंदर में कॉपर वायर्स लगे हुए होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये कॉपर वायर्स का बना हुआ होता है स्टेटर। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे जो मैग्नेट्स है वो सेट ऑफ कॉपर वायर्स के साथ मिलकर बहुत तेज गति से बहुत तेज स्पीड से रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आगे फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस्ड है वो कॉपर वायर से होते हुए डायोड तक पहुंचता है, और ये जो डायोड है वो फिर क्या करता है इससे एसी करंट को जो कि इंजन से आ रहा है उसे डीसी करंट पे चेंज करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इंजन की बैटरी है वो डीसी करंट पे वर्क करती है, तो इस तरह से ये डायोड जो है वो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, और इस तरह से अल्टरनेटर जो है इंजन में लगा हुआ वो वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।